Sharma Commission report, roll back! Roll back, roll back! Judish Sharma Commission, Murdabad! Murdabad, Murdabad! Rival March, Zindabad! Zindabad, Zindabad! Rival March, Zindabad! Zindabad, Zindabad! जम्मू कश्मीर में तीसरी बड़ी जमात जो है गुजर बकरवाल है, तीसरा बड़ा तबका है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तीसरे बड़े तबके को नाराज करके कितना नुकसान हो सकता है। एक तरफ से सरकार ये कह रही है कि हम इनको अपलिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से असल में हो ये रहा है कि वो मुंह के बल हमें गिरा रही है। इस मार्च को कुपवाड़ा से स्टार्ट किया और हम कठुआ तक जाएंगे, आज हमारा छठा दिन है। अगर यही हो गया तो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाएगी। तो हमारी मांग ये है यहाँ से कि भी किसी भी सूरत उन लोगों को एसटी स्टेटस के अंदर शामिल करके आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना करें, आप रियल ट्राइबल्स की आइडेंटिटी को बलडोज ना करें, आप जिन लोगों के हकूक हैं उनके हकूक पर डाका ना डालें। इसी को लेकर आज यहाँ से एक मार्च स्टार्ट हो रहा है, लेकिन खुदा रहा हमारे जो राइट्स है जिसमें हम एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, हम जॉब्स लेना चाहते हैं, आप उस पर कभी ये नहीं कीजिए। जुडिश शर्मा कमीशन रिपोर्ट, रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। जुडिश शर्मा कमीशन, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्राइबल मार्च, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्राइबल मार्च, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये दिन दहाड़े जो है चोरी हो रही है हमारे जो हमारा हक है उसके साथ। इसलिए ये जो है आज प्रोटेस्ट हमने शुरू किया। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो हैं आज नौजवान जो है निकले, इनको आज नहीं निकलना चाहिए था, इनका आज पढ़ने का टाइम है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट ने इनका कुछ नहीं सोचा, इनको आज मजबूरन जो है सड़कों पे आना पड़ा, वो भी जूतों के बिना। आप लाकर ट्राइबल्स में ऐसे लोगों को जमा कर रहे हैं जो अच्छे कॉजी रूम्स में एयर कंडीशन में बैठ के अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, और आप देख नहीं रहे ट्राइबल कम्युनिटी के वो लोग जो तो कम से कम कहीं नोमेड बन के उनको पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। कहीं कहीं मैं गुरेज कर रहा हूँ, हमारे गुरेज में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी हम स्ट्राइक करके पढ़ रहे हैं और हम कहते हैं कि हमारा हक जो है नहीं दे दिया जाए, और हम ये हरगिज़ मंजूर नहीं करेंगे कि हमारा हक किसी को दे के हमसे छीन के किसी और को दे दिया जाए। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे जो हैं अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सरकार हमारा कोटा इतना 104 ओबीसी है, आरबीए एसटी में इतने 1,04,000 से ज़्यादा पोस्ट हमारे पड़े, उन पे तो सरकार को कोई परेशानी नहीं है। अनएम्प्लॉयड यूथ को वो हक दे दिया जाए, वहाँ कर हो क्या रहा है कि हमारे जो हक ऑलरेडी हैं उसको दबा के किसी और को हमारे इस हक पर शामिल किया जा रहा है।